दोनों वैक्सीन लग गई और फिर भी डेथ हो गई कोरोना से। ऐसे केसेस आने से बहुत सारे लोग डिसहार्टेंड हो जाते हैं, जिन्होंने वैक्सीन लगाया उनको लगता है फिर क्या फ़ायदा मुझे वैक्सीन लगाने का। ये जो धारणा है इसको हटाने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। हार्ट के ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी के, और साउल हार्ट सेंटर के नाम से हम लोग करीब 100 सेंटर इंडिया भर में चलाते हैं। हार्ट की वीडियोज़ मेरे ज़रूर देखिएगा। पर आज मैं ये बात बताने आया हूँ कि हमारे एक बहुत रिनाउंड कोलीग डॉक्टर के अग्रवाल की डेथ हुई थी बहुत रिसेंटली, और आपको मालूम है कोरोना के ऊपर उन्होंने हजारों सेशंस किए थे, और उन्होंने ये भी बोला कि मैंने दोनों वैक्सीन लगाया है, उसकी वैक्सीन लगाने की वीडियो वायरल हुई तो सबको मालूम चला कि भाई वैक्सीन लग गया, आप कोई चिंता नहीं, और फिर देखिए उन्हें कोविड होता है, उन्हीं की डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? मैंने स्पेशली के अग्रवाल के केस में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला उनके कारण थे, बिना कारण के नहीं होती है। यूजुअली वैक्सीन 90% प्रोटेक्शन दे देता है डबल डोज के बाद, और अगर कुछ लोग रह जाते हैं, वो कौन से लोग रहते हैं जिनको और भी कोई बीमारी हो जिसके वजह से उनका इम्यूनिटी बहुत लो हो। डॉक्टर के अग्रवाल के केस में उनको एक बीमारी थी जिसका नाम है क्रोन्स डिजीज़, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, और उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी भी ली जाती है जिससे इम्यूनिटी और लो हो जाती है। प्लस उनकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने से ऐसे ही लोगों की डेथ हो जाती है, पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बाद भी वो सर्वाइव कर गए, तो उनका केस ऐसे ही वीक था। और देखिए फिर ऑक्सीजन लेके भी वो काम करते रहे, जबकि हम लोग कोरोना पेशेंट्स को बोलते हैं भाई आप रेस्ट लो। तो एनीवे ये सब कारण के वजह से हो सकता है उनकी डेथ हुई हो। बहुत सारे लोग बोले भाई नहीं कोई को भी हो सकता, पर ऐसा नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद, स्पेशली डबल वैक्सीन लेने के बाद, डेथ होना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। पहला डोज में नहीं हो, सेकेंड डोज के 10-15 दिन बाद बहुत कम चांस होता है, फिर भी कुछ लोगों की होती है। वैक्सीन कभी 100% प्रूवन नहीं होता है, पर बहुत कम चांसेस होते हैं। और अगर उनको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ भी तो वो माइल्ड होके निकल जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी काफ़ी बन चुकी है, उनके अंदर किलर सेल्स और मेमोरी सेल्स बन चुकी है। तो इसलिए आपको मैं ये बोलूँगा वैक्सीन ज़रूर लगाइए, और ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इनको लग गया फिर भी कोरोना हो गया मैं क्यों लगाऊँ। मैंने देखा बहुत सारे लोग वैक्सीन को अभी भी नहीं लगा रहे हैं, मन में धारणा है कि अरे कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसकी डेथ होगी, उसकी डेथ होगी। ये भी अब हो गया कि केस तो कम हो गए अब क्यों लगाऊँ। पर मैं सिंसियरली एडवाइस करूँगा कि थर्ड वेव अगर आएगी तो जो वैक्सीन नहीं लगाए हुए होंगे उनको ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है, इसलिए वैक्सीन ज़रूर लगाइए, इसमें कहीं कोताही ना करें। और जो बाकी के जो चीज़ें हैं, एक दूसरे से दूरी रखना, मास्क ज़रूर पहनना, पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहने बगैर नहीं जा सकते। घर में आप मास्क ना पहनते कोई बात नहीं है, पर आप पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो मास्क बिना नहीं जाना है। कहीं बाहर से आएंगे तो हैंड वॉश और सैनिटाइजेशन जरूर करिए, और वैक्सीनेशन आपको बचाएगा। तो डबल वैक्सीन हो, सिंगल वैक्सीन हो, कोरोना किसी को भी हो सकता है, और वैक्सीन भी 100% प्रूवन नहीं होता है, पर उनको ज़्यादातर डेथ होती है जिनकी कोई और कमी रहती है और कोई बीमारी होती है, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कोरोना से डेथ होने का। एंड डॉक्टर के अग्रवाल हमारे दोस्त भी थे, और वो ही इज़ वन ऑफ द केसेस जहाँ पे बहुत हाई रिस्क केस थे वो, और उसके बाद भी उनकी वैक्सीन के बाद भी डेथ हुई। अनफॉर्चुनेट है, बट ऐसा हो सकता है, तो इसलिए आप वैक्सीन ना लगाएं, ऐसा ना करें। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।